और गाइस यही वो नदी है जहाँ पे माता सीता अपने आभूषण गिराते हैं माता सीता और बोलते हैं कि हे वन के वासियों, अगर हमको खोजते हुए यहाँ पे कोई आए तो उसे बता देना कि हमें रावण उठा के लेके चले गए हैं। तो उस आभूषण को उठा के रख लेते हैं हनुमान जी सब अपने पास ऋषिमुख पर्वत के पास। वहीं से वानर सेना की सहायता लेते हैं राम भगवान। यहाँ पे आए तुंगभद्रा नदी, जो इस नदी को हम पार करेंगे और ये नदी पार करेंगे। यहाँ पे बोट वाला भी नहीं है फिलहाल, कोई बोट वाला आएगा तो हम उस पार चलेंगे और जाएंगे उस चट्टान के पास जहाँ पे भगवान श्री राम जी आए थे। आके तो बहुत खुशी हो रहा है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से, यहाँ तक हम भी आए हैं। अब देखते हैं इस वीडियो के ऊपर आप सभी कितना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मेहनत कर रहे हैं आप ही सब के लिए, आप ही सब के इंटरटेनमेंट के लिए। गाइस आते आते तो खुश तो बहुत थे कि भगवान से दर्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आके अटक गए। यहाँ पे कोई आदमी ही नहीं आ रहे हैं जो बोट वाला आएगा और हमको भी लेके जाएगा उस साइड। कोई दिख ही नहीं रहा है उस साइड, क्या करें। यहाँ पे मजबूरी से यहाँ पे बैठे हैं अभी। अब कब तक आएगा बोट वाला और कब हमको लेके जाएगा इधर से, कोई ठिकान नहीं है। यहाँ पे 100 रुपये दिए भाई को तो यहाँ तक हमको छोड़ दिए। वैसे नहीं बोल रहा था कि उधर से रास्ता है उधर से चले जाओ, फिर भी समय नहीं था इसीलिए बहुत घूमना पड़ता, 4 किलोमीटर घूमना पड़ता। इसीलिए हम सोचे कि बोट से चले जाते हैं, 100 रुपये लगेगा और समय भी नहीं था, मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। इसीलिए देखते हैं आगे चल के और आगे का व्यू दिखाते हैं किस तरह से दिखे जाते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस जगह का, कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं। यहाँ पे बोट है, ये बोट से आप यहाँ पे टूरिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू है जहाँ पे लिखा हुआ है सुग्रीव गुफा, और यहाँ का ये जो अंग्रेजी लेटर है और यहाँ का ये लोकल लैंग्वेज है और ये है हिंदी में। और ये वाला इसमें जो लिखा हुआ है, मान्यताओं के अनुसार हम्पी को रामायण में वर्णित किस किरदार राज्य माना जाता है, जिसके शासनकाल वानर सुग्रीव थे। हम्पी की पहाड़ियों पर कर्म रहित यादृच्छिक लगे शिलालेखों से सांस्कृतिक गुफा बन गई है। यानी ये हम पढ़ेंगे तो आप सभी को वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ये आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसके बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक गुफा है, ये सुग्रीव गुफा जिसको बोलते हैं सुग्रीव गुफा। यहाँ पे कुछ बाबा सब हैं, बाबा सब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी और राम भगवान कितने दिन तक रहे थे। वैसे तो रामायण के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है, शायद बाबा सबको मालूम होगा। चलते हैं इसके अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं आप सभी को जो जहाँ पे भगवान श्री राम जी रहा करते थे। और यहीं पे आते हैं हनुमान जी से मिलने के लिए यहाँ पे। और इस साइड में आप देखेंगे तो हनुमान जी का पैर है नीचे ये, और इसके अंदर जो है इसके अंदर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है। थोड़ा दिखाने में असुविधा हो रहा है, एक बार दिखाते हैं पिछला कैमरा करके, शायद दिख सके। और यहाँ पे जो है ये तारा लगा हुआ है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आसन लगा हुआ है, पत्थर से घिरा हुआ है। इसी में राम भगवान और हनुमान जी मतलब जैसे 10-15 आदमी इसके अंदर ठहर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखता होगा जहाँ पे भगवान श्री राम और हनुमान जी सब और लक्ष्मण जी हैं, ये जो थोड़ा दिखाने में असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ठंडी हवाएं आपको महसूस होगा, और कुछ भी नहीं है, बस यही है गुफा है और ये है, ये जो है ये बंद है। और यहाँ पे ठंडी हवा महसूस हो रहे हैं। भगवान जी से दर्शन कर लिए आज की इस वीडियो में, शायद बहुत दिनों से ये बात मान रहे थे कि हम जाएंगे सुग्रीव गुफा घूमने के लिए। और यहाँ पे एक डरीर बना हुआ है, कुछ इस तरह से ये डरीर दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का, वहाँ तलिक बहुत दूर तलिक है, आगे तलिक है, उधर तलिक है, बहुत दूर तलिक है ये।
डरी। दोस्तों यही वो किला है जहां पे कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए थे, जो ऋषिमुख पर्वत के सामने से ही दिखता है ये किला, जो कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए थे। और यहाँ पे दिखे जाते हैं कई सारे धार्मिक स्थान, जैसे कि ऋषिमुख पर्वत, सीता सिरंगू, विष्णु गुफा के लिए, यानी वो मातंगा पर्वत है, मातंगा महामुनि ऋषि था ना, हाँ हाँ, वो वाली को शराब दिया ना, वाली को शराब दिया, हाँ, तो हाँ, उसका पर्वत है वो, मतलब वो वहाँ पे वो पर्वत है और वहाँ से जब शराब दिया तो इधर आके छुपता था बाली, यही ना, यहाँ पे आके छुपता था, वहाँ शराब देने का टाइम पे इधर भाग के आके छुप जाता था, इधर छुप जाता था में शुक्रवार झड़ा झड़ी झगड़ा गदा गदा वो था ना, तब सुग्रीव इधर आके छुप जाता था, इधर आके छुप जाता ना, इधर तक आते इधर से वापस निकल जाता है। जैसा कि ये सब जो है, ये किला सब, ये सब क्या चीज का, ये राजा का किला है, राजा, ये राजा का, श्री कृष्ण देवराय, श्री कृष्ण देवराय, श्री कृष्ण देवराय रोडियर, अभी मैसूर अरमने थी क्या ना, मैसूर, हाँ वो उसका, ये राजा का है, देखो अरमने वो भी, ये सब राजा का ही है, उधर जाओ तुम, उधर गया तो तुमको ऊपर ऊपर किधर से भी, इधर से ऐसा जाओ, ऐसा जाना रास्ता तो नहीं दिख रहा है, रास्ता है भाई, जाओ तुम आगे आगे जाओ, दिखता है पे, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है सुग्रीव गुफा, जो इसके अंदर आप जाते हैं तो इसके अंदर जो है आप देखेंगे राम भगवान का पैर का निशान, और इसके अंदर जो है आसन बना हुआ है, ये जो है इसका गेट क्लोज था, इसके अंदर अलाव नहीं है जाने के लिए, यहाँ इसके अंदर जो है जैसे कि 5-7 आदमी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और यही से भगवान श्री राम जी बानर सेना को लेकर के लंका पे चढ़ाई करते हैं, यही से जो यही पे आभूषण दिखाते हैं हनुमान जी, और यही पे हनुमान जी का सबसे पहला मिलन यही पे होते हैं भगवान श्री राम को, बानर सेना को लेकर के लंका पे चढ़ाई करते हैं राम भगवान। यहाँ पे हम कैसे आए थे आप सभी को हम बताए नहीं, ये वीडियो भी ख़त्म होने वाला था, इसीलिए वीडियो के एंड में आप सभी को ये बात बता दें, यहाँ पे पास में ही है हॉस्पिट जंक्शन, हॉस्पिट जंक्शन से जो है 13 किलोमीटर की दूरी पे है हम्पी, 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आप आते हैं तो आगे बस स्टैंड है, बस से ट्रेन से आप यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे मार्ग पार करना पड़ेगा, नदी जैसे 2 से 3 नदी पार करना पड़ेगा, जिसका नाम है सोनभद्रा नदी, सोनभद्रा नदी पार करके आप इस पार आ सकते हैं। अभी हम इस जगह पे हैं सुग्रीव गुफा के पास, यहीं पे आए थे श्री राम जी और हनुमान जी से मिले थे, और यहीं से बानर सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई किए थे। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।